जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। मैं हूं डॉक्टर कौशल पवार। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण गायकवाड़ जी से। सर, आपकी वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लक्ष्मण सर, आपकी वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही जी। सर, आपकी वीडियो एक बार ऑन कर लें तो सभी तमाम फेसबुक के मित्रों को आप दिखाई दें। हेलो हेलो, आप मुझे बहुत जल्दी ये करो क्योंकि शुरू हो चुका है सर। शरीर के लोग हैं सर। आप लाइव हैं, आपको तमाम फेसबुक के मित्र देख रहे हैं। मैं बिना किसी भूमिका के सीधा बात करना चाहूंगी। मैं बस दर्शकों को छोटा सा संक्षेप में परिचय दूंगी कि आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण गायकवाड़ जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि जो कालजयी जो रचनाएं हैं, उचक्का जैसी रचनाएं जिनमें आत्मकथा पूरा का पूरा, उचक्का में आप उनके जीवन चरित्र को देख रहे हैं, ऐसे चरित्र से आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण गायकवाड़ जी से। सर, मैं अभिवादन करती हूँ आपको, नमस्कार करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। बहुत धन्यवाद जय भीम जी। सर, मैं सीधा आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आज आप 4 दिन हो गए आपके उपवास में, आपने ये उपवास क्यों रखा हुआ है? तमाम दर्शकों को आप चाहते हैं जानना, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी। देखिए, मैं ये दादा साहब फाल्के चित्र नगरी मुंबई में गए 27 साल से मैं यहाँ होटल चलाता हूँ। अभी मैं होटल में ही हूँ और मैं अनुष्ठान पे बैठा हूँ। आज मेरा 4th दिन है। मेरी मांग ये है कि या दादा साहब फाल्के चित्र नगरी में हो रहा है क्या कि मुझे जो यहाँ से निकालने की साजिश चल रही है। मुझे भूखंड मिला था 1994 में, तो 1994 में मैंने करार किया, मैंने खुद का कंस्ट्रक्शन करके इमारत बनाई। ये जो इमारत है वो मेरी है, लेकिन अभी शासन वो मुझे निकाल के लेना चाहता है। और यहाँ के दादा साहब फाल्के चित्र नगरी ने जो करार बना किया था वो करार के मुताबिक मुझे दूसरा करार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं करके दिया। तो नहीं करके उसमें तरतूद है कि बाद में करार करने की, और वो जो किराया तय है वही आगे चलाने की। लेकिन उन्होंने बीच में मुझे 25,000 की जगह 2,36,000 रुपया किराया ज्यादा बढ़ाया महीने को। 1 महीने को 2,36,000, 25,000 की जगह इतना बढ़ा के मुझे कोर्ट में खिंचवाया कि मैंने देना है बोल। और खुद जी, तो इसके वजह से मैं परेशान हो गया। और उनको मैंने बोला कि भाई तुम झूठ क्यों काम कर रहे हो? अभी मुझे लाइट काट दिया, पानी काट दिया, मेरा चालू होटल बंद कर दिया। और जो महाराष्ट्र का प्राधिकरण न्यायालय होता है शासन का, उसमें केस दर्ज करके एक तरफा निकाल लग और मैंने बोला कि मैंने क्या गुनाह किया है कि इस तरह से मुझे आप परेशान कर रहे हैं। अभी अभी मेरे बाजू में आंदोलन चल रहा है, बहुत अभी दिन भर वही चल रहा है। फिर अभी वो EMD बुला के लेके बोल रहे कि नहीं, ये ज्यादा हमारी थकबाकी ज्यादा लग गई, हम फिर से सुधार करेंगे, आपको देंगे। लेकिन मैं बोला बिगर आटी शर्ती के साथ मुझे अभी ये जगह चाहिए। इसके लिए अभी आंदोलन जारी है, देखेंगे। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ना सिखाया है और स्वाभिमान से रहना सिखाया है, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और उसकी लड़ाई अभी चल रही है। और मुझे झूठे इल्जाम में जानबूझकर फंसा के और बड़े अमीर लोगों को ये कैंटीन की जगह देने की प्रोविजन किया है, उन्होंने मेरा टेंडर निकाला। मैं बोला भाई मेरी इमारत के ऊपर टेंडर आप कैसे निकाल सकते हो? और ये अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल या अन्य मंत्रीगण सब एक जगह बैठे हैं
कि अभी आज वही चल रहा है, आज अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र का, तो इसमें कुछ हो जाएगा। मेरे हजारों कार्यकर्ते बाहर, अभी प्रदर्शन चालू है दादासाहेब फाल्के चित्र नगरी के गेट पर। सर सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके से? इसका कारण है, मैं दलित लेखक हूँ, बड़ा नाम होने से बड़े प्रॉब्लम खड़े कर देने का है उनको, और मुझे निकाल के अगर ज्यादा पैसा मिलता है और किसी से, तो फिर लक्ष्मण गायकवाड़ को निकालने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इसलिए मुझे निकालने की साजिश चल रहे, क्योंकि ये जो दादा साहब फाल्के चित्र नगरी है, ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी एरिया है, इसको फिल्म सिटी बोलते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन की शूटिंग होती है, कपिल शर्मा, एकता कपूर, फिर ऐसी जगह पे कोई और आना चाहता है, लक्ष्मण गायकवाड़ को कमजोर आदमी है तो उसको निकालो। और मैं माफी चाहूंगी दर्शकों से कि लक्ष्मण गायकवाड़ जी क्योंकि 4 दिन से उपवास पर हैं, उनकी आवाज में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और लगातार डिस्कनेक्ट भी। तो, जी 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 हाँ जी, तो ये मुसीबतें खड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो लड़ूंगा, हारूंगा नहीं, और मुझे इस तरह से देना है। मेरी बीबी वो भी अभी परेशान है, उनको भी पानी नहीं, बिजली नहीं, रात भर मच्छर काट रहे, ऐसे जगह पर अभी रुका हूँ, देखेंगे अभी क्या होता है, लड़ने का तो चारों है। जी जी, तो आपके आप उपवास पे अकेले हैं या पत्नी भी साथ? नहीं नहीं मेरी बीवी है बाजू में, देखो ना जी, नमस्कार। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे है, ये सभी कामगार वर्ग है, ये सभी लोग है, ये मेरा होटल है, आप देख रही है? जी जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये सभी वर्कर मैनेजर, ये सभी लोग है, ये मेरा होटल जी। बहुत महत्वपूर्ण जी, आप वीडियो ऑफ ना करें जी, कंटिन्यू मोबाइल आ रहे, कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात हर जगह पहुंचे, और अन्याय के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, मुझे सपोर्ट की आप जैसी की जरूरत है, आप तो आपके सभी जो आपके असल में हम चाहते थे कि लक्ष्मण गायकवाड़ की आवाज सभी तक पहुंचे, तमाम फेसबुक के मित्र, तमाम हमारे चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं स्वच्छकार समाज की आवाज की, क्योंकि एक आवाज जो लक्ष्मण गायकवाड़ की आवाज है, बहुत मराठी के बहुत जाने माने साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, महाराष्ट्र सरकार से भी सम्मानित हैं, महाराष्ट्र सरकार ने खुद आपको सम्मानित किया था आपकी उचक्का के लिए, और आज जिस तरीके के संघर्ष आज आप सड़क पर बैठकर कर रहे हैं या अपने मतलब होटल में बैठकर कर रहे हैं, ये वाकई सोचने की बात है कि आज किस तरीके से, क्यों, किस साजिश के तहत एक तरह से उपवास तक की स्थिति, नौबत आ चुकी है आज की आप बैठे हैं। जी जी, थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम आपके होटल को पूरा देख नहीं पाए, वीडियो बीच में ऑफ हो गया था। ये देखो, ये देखो होटल, ये देखो जी, जी जी जी, ये मेरा होटल है जी, ये और बीच में किचन है जी, और बहुत सी जगह है आजू बाजू में, मेरे बाजू में कौन बनेगा करोड़पति का सेट है, फिर कपिल वर्मा का सेट है जी, तो वीआईपी, मोस्ट वीआईपी इलाके में आप है एक तरह से, और ये इलाका फिर उच्चका को क्यों रखे, कोई बड़ा आदमी आमिर आना चाहिए, इसके साजिश, मैं उसके खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, अनुशन कर रहा हूँ, और आप लोगों का सहयोग है, ये सहयोग मुझे मिलेगा, आपके चाहने वाले तो पूरे दुनिया भर में लोग है, तो उन तक बात पहुंचा दीजिए कि एक अच्छे लेखक को भी कितना परेशान होना पड़ता है, कितना परेशानी से गुजरना पड़ता है जी, और जी। अपना कुटुंब संभालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं धन्यवाद, बहुत बहुत जय भी, सहमत हूँ हाँ जी, क्योंकि उपवास पे भी है लक्ष्मण गायकवाड़ जी और बोलने में भी दिक्कत है और फिर संघर्ष भी कर रहे हैं, तो ज्यादा बातचीत हम लोग, हम बस इतना ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर के कैंटीन को खाली कराने की जो नौबत है, जो किसी और को देने की साजिश एक तरह से चल रही है,
सरकार से मांग करते हैं हम लोग कि सर को न्याय दिया जाना चाहिए, और न्याय पर न्याय पर सामाजिक न्याय की सामाजिक समानता की बात यह है कि जब उनका हक है, उनका अधिकार है, उनकी अपनी जगह है, तो वो उन्हीं को मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आपका अभिनंदन, धन्यवाद, आपका जय भीम, आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भीम सर। ए इधर ये आ रहे, नीलम गोरे का आया है, ये कहाँ है? उसका सर वीडियो ऑफ हो चुकी है आपकी, वीडियो ऑफ हो चुकी है। अच्छा, रह गया क्या ये आपका वीडियो? जी आपकी आपकी वीडियो ऑफ है सर। बंद नहीं हुआ? ए ये बंद कर, पन्ना ये बंद कर, चालू है।